नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक आपको पर्सनल लोन कब और कैसे देती हैं, यानी कि आप पर्सनल लोन के लिए कब एलिजिबल होते हैं। देखिए, कोई भी बैंक हो, SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सारी बैंकें पर्सनल लोन आपको देती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल लोन सिर्फ सैलरीड क्लास को मिलता है, मतलब जो व्यक्ति रेगुलर सैलरी और रेगुलर एम्प्लॉय है किसी कंपनी का या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसी को ही पर्सनल लोन मिलता है। जनरली बिजनेसमैन को पर्सनल लोन बैंक अवॉइड करती है। अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो आपको पर्सनल लोन मिलेगा, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग में जॉब कर रहे हैं तो पर्सनल लोन मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड, इनकम रिकॉर्ड है, वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से बैंक अवॉइड करती है लोन देना। अगर आप सैलरीड क्लास है तो मिनिमम आपकी 25,000 तनख्वाह पर मंथ होनी चाहिए जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, तब आपको पर्सनल लोन इजीली तरीके से मिल जाएगा। आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। कैश में अगर आपको सैलरी मिल रही है तो बैंक उसको सैलरी कंसीडर नहीं करता। अब बात करते हैं कि बैंक में अप्लाई, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपका सैलरी अकाउंट जिस बैंक में है उसी बैंक में आप पर्सनल लोन अप्लाई करें। जैसे अगर आपका सैलरी अकाउंट SBI में है तो आप SBI में ही पर्सनल लोन अप्लाई करें। अगर आप HDFC या किसी और बैंक में अप्लाई करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा और आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आएंगी। अब जो नॉर्मल, अब मैं एक गो थ्रू करूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, आप सैलरीड क्लास होनी चाहिए, 25,000 आपकी कम से कम तनख्वाह हो, रेगुलर आपकी जॉब हो, आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो, कैश में नहीं मिलती हो, और आपकी जॉब रेपुटेटेड कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या डायरेक्ट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉई हों। तो और फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली सभी बैंकों में एक जैसे ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, 2 साल का फॉर्म 16 या ITR लगता है, 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और 3 महीने की सैलरी स्लिप। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जब भी आप अप्लाई करने जाएँ पर्सनल लोन के लिए तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाएँ, चाहे बैंक कोई भी हो, सबको यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़िए, टीम मुरारी गर्ग का हिस्सा बनिए। मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपकी पैसिव इनकम होती रहेगी। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर ऊपर जो दिया हुआ है उससे मुझसे संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, ताकि मैं आपको और अच्छी से अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ। धन्यवाद।